सभी आखिरकार भोसले निवास क्यों पहुंची है। भोसले निवास में जाकर उसने आखिर ऐसा कौन सा कदम उठाया है कि हर कोई काफी हैरान है। क्या सभी ईशा को लेकर भोसले निवास पहुंची है? क्या है सभी के भोसले निवास जाने का सच? क्या हुआ है ऐसा, हम आपको बताएंगे टीवी विंडो पर। लेकिन अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। सभी भोसले निवास माफ़ी मांगने पहुंची है ईशान से। दरअसल सभी ही थी जिसने भोसले परिवार पर सबसे पहले उंगली उठाई थी। सभी ही थी जिसने ये बात डंके की चोट पर कही थी कि ईशा पर हमला किसी और ने नहीं, भोसले परिवार ने ही करवाया है। हम यहाँ आपको बता दें कि अब जब सभी को पता चला है कि इस पूरे हमले में उसका भाई भी शामिल है और ये सब कुछ सभी की वजह से हुआ है, तो सभी माफ़ी मांगने पहुँची है भोसले निवास। उसने ये साफ साफ कहा है कि उससे बहुत बड़ी गलती हो गई, उसने वाकई में गलत समझा। तो एक बात तो तय है कि अब अपनी गलती का एहसास सभी को हुआ है और इसीलिए अब वो माफ़ी मांगने के लिए पहुंची है। हम आपको बता दें कि यहाँ पर वो अपने साथ वीनू को लेकर भी गई है, क्योंकि वो जानती है कि विनायक ने वाकई में गलती की है। भले ही जेल की सलाखों के पीछे फिलहाल मंदार हो, लेकिन यहाँ पर विनायक भी इस जुर्म में उतना ही भागीदार है। तो हम आपको बता दें कि अब यहाँ पर सभी जब भोसले निवास जाएगी तब वो सभी से माफ़ी मांगती नजर आएगी। और इसीलिए जाते साथ ही उसने कहा है कि मैं परिवार में सभी सदस्यों से बात करना चाहती हूँ। आप इस बारे में क्या कहेंगे, कमेंट में अपनी राय लिखकर ज़रूर बताएं। लेकिन उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।